गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं लक्ष्मण प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेन अकेडमी पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये 2020 का केमिस्ट्री का पेपर है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं पूरे के पूरे क्लास में हो चुके हैं। और इसके साथ ही एक गेस्ट पेपर के तौर पर मैंने वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो में से 80 से 95% तक क्वेश्चन जैसे के जैसे आए हुए हैं। तो देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है। तो दोस्तों, षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण सिंपल सी बात है, ग्रेफाइट इसका आंसर है। और यदि चतुष्फल के पूछता तो हीरा होता। अर्धायुकाल प्रथम कोटि हेतु होगा जबकि k इक्वल टू 5.5 × 10⁻¹⁴ प्रति सेकंड है। तो अर्धायुकाल इसमें आंसर हो जाएगा आपका a 1.26 × 10³⁰ सेकंड। पायस का उदाहरण है, इसमें पायस का उदाहरण है मक्खन। बॉक्साइट का उदाहरण है बॉक्साइट अयस्क है, इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। इसके अलावा ये पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर +2 है लेकिन इसे अपन निकालेंगे। तो हमें आयरन की K4Fe(cyanide)2⁶ में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या अपन को निकालना है। तो हमें पता होना चाहिए जो पोटेशियम है S ब्लॉक का एलिमेंट है जिसकी संयोजकता +1 होती है। चूंकि यहाँ पर चार पोटेशियम है इसलिए टोटल +4 संयोजकता हो जाएगी यहाँ पर पोटेशियम की। तो टोटल कितनी है पोटेशियम की संयोजकता +4। हमें Fe की संयोजकता निकालना है तो Fe को हम मान लेंगे X। साइनाइड की संयोजकता -1 होती है, यहाँ पर 6 साइनाइड है इसलिए -6 इक्वल टू 0। अब 6 में से यदि 4 जाएंगे तो यहाँ पर एक्स -2 बचेंगे। अब एक्स को -2 को हम पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू +2 पॉजिटिव आंसर आएगा। अर्थात K4Fe(cyanide)2⁶ में आयरन की जो ऑक्सीकरण संयोजकता है वो +2 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा +2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो आपके हो गए ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इसमें भाषा तो समझ जाएंगे, इंग्लिश में भी आंसर दिए क्वेश्चन दिए हैं। अब देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। आंवले में विटामिन पाया जाता है, तो आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवले में पाया जाता है और जितने भी खट्टे पदार्थ हैं सभी में विटामिन सी होता है। खट्टे पदार्थों में चाहे भले वो इमली हो चाहे बेर हो, कुछ भी खट्टे पदार्थ विटामिन सी जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी धातु है, तो सभी जानते हैं मरकरी कैसी धातु है, द्रव धातु है। दोस्तों, वैसे धातु जो होती है ठोस अवस्था में पाई जाती है, जैसे सोना चांदी वगैरह, ये ठोस अवस्था। केवल मरकरी ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में है, डी ब्लॉक में, जिसका जिससे अपन HG से डोनेट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। और मरकरी कैसी धातु है, द्रव धातु है। कैसी धातु है, द्रव धातु है। मरकरी कैसी धातु है, द्रव धातु है। इसे हम तरल भी, यदि कोई ऑब्जेक्टिव में लिख के आया हो फिल इन द ब्लैंक्स में तरल भी लिख के आया हो तो वो भी सही है, तरल धातु है या द्रव धातु है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, नियोप्रेन डेडेडेस रबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा संश्लेषित रबर है। तो नियोप्रेन कैसे रबर है, तो संश्लेषित रबर है। नियोप्रेन कैसा रबर है, संश्लेषित रबर है। दोस्तों वन में दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा संश्लेषित। तो इसका आंसर हो जाएगा संश्लेषित लेषित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
स्कंदन के ठीक विपरीत होता है, तो दोस्तों स्कंदन के ठीक विपरीत होता है पेप्टीकरण। तो इसका स्कंदन के ठीक क्या होता है? पेप्टीकरण। तो इसका आंसर होगा पेप्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थो फॉस्फोरिक अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो सबसे पहले तो ऑर्थो फॉस्फोरिक अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। दोस्तों ये कई यूट्यूबर ने इसमें प्लस फोर ऑक्सीकरण अवस्था बताई है जो कि गलत है। सबसे पहले तो हमें ऑर्थो फॉस्फोरिक अम्ल में ऑर्थो फॉस्फोरिक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। अब हमें यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था पता करना है, तो इसके लिए हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है प्लस वन, यहाँ तीन हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगी प्लस के थ्री। अब जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है उसे हम मान लेते हैं एक्स। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -2, यहाँ चार ऑक्सीजन है इसलिए -8 और इक्वल टू में लिखेंगे 0। अब यहाँ से एक्स माइनस के ये हो जाएंगे आपके 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी फास्फोरस की प्लस के 5। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस 5। और तो फास्फोरिक अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है दोस्तों? 5। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें नेक्स्ट है आपके मैचिंग सही जोड़ियां। तो इसमें नेक्स्ट है आपके सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियां देख लेते हैं। शॉट की दोष, इसकी मैंने ट्रिक्स भी बताई थी आपको। शॉट की दोष, जहां भी आपको एस ब्लॉक का एलिमेंट और पी ब्लॉक का एलिमेंट दिख जाए वहां शॉट की दोष होगा। सोडियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, क्लोरीन पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए शॉट की दोष का आंसर हो जाएगा NaCl। फ्रेंकल दोष के लिए मैंने ट्रिक्स बताई थी डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में भी खासकर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन देखना है। तो फ्रेंकल दोष का उदाहरण हो जाएगा आपका AgCl। अनुचुम्बकीय ऑक्सीजन है, अनुचुम्बकीय भी पदार्थ होते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे, ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिंक ब्लेड है, तो जिंक ब्लेड में जिंक जरूर होगा, तो ZnS क्यूपराइट में कॉपर जरूर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ये। तो सही जोड़ियों का आंसर ये है। आप अपने टेस्ट पेपर का मिलान कीजिए और मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके सही आंसर कितने हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सही गलत ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें ट्रू और फॉल्स कितने हैं देख लेते हैं। समूह 16 के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है, गलत है। समूह 16 के तत्वों को कैल्कोजन कहा जाता है, जबकि समूह 17 के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत। एक हेलोजन परमाणु दूसरे हेलोजन के साथ जुड़कर अंतरा हेलोजन युग्मक बनाती है, बिल्कुल राइट है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि एक हेलोजन परमाणु दूसरे हेलोजन के साथ जुड़कर हेलोजन अंतरा हेलोजन युग्मक बनाती है, जैसे कि XeF चलिए छोड़ें, इसके लिए वीडियो लंबी हो जाएगी, बाद में देखें। नेक्स्ट देखते हैं, एथिल एमिन जल में ब्लह है जबकि एनिलिन नहीं। तो ये भी सही है, पहला आपका गलत था, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। एथिल एमिन जल में ब्लह है क्योंकि एथिल एमिन में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि एनिलिन एक एरोमेटिक यौगिक है, इस वजह से एनिलिन जल में ब्लह नहीं है जबकि एथिल एमिन जल में ब्लह है। तो तीसरे का आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथिल ग्लाइकोन और टेरिफ्थैलिक अम्ल की क्रिया से टेरिलिन बनता है, बिल्कुल सही है। ये बहुलीकरण की क्रिया है, संघनन क्रिया है, इसमें जल बाहर निकलता है और इसका आंसर राइट है। एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफ्थैलिक अम्ल की क्रिया से टेरिलिन बनता है, बिल्कुल राइट है।
ई ऑप्शन है, ई क्वेश्चन है, स्टार्च कृत्रिम बहुलक है, गलत है, स्टार्च कृत्रिम बहुलक नहीं है। यानी पूरी जो सत्य असत्य है, दो गलत हो जाएंगे, तीन सत्य हो जाएंगे। बाकी टेस्ट पेपर को भी देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें मोल प्रवाज दिया हुआ है, मोलरता दिया हुआ है, मैंने गैस पेपर में बता दिया था, ये बहुत आईएमपी हैं, खासकर मोललता, मोलरता, फॉर्मलता और मोल प्रवाज, ये विशेषकर महत्वपूर्ण थे। टिंडल प्रभाव, प्राप्तिकरण, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पेपर जो पिछले साल की तुलना में 2019 की तुलना में बहुत ईजी है। 2019 का जो टेस्ट पेपर था बहुत टफ था। दो दो नंबर में आपके ये क्वेश्चन आए थे, लिगेंड, समन्वय, टिप्पणियाँ पूछी जाती हैं इसमें से। दो दो नंबर में एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है इसमें से, इस वाले लेसन में से, यूनिट में से, और एक क्वेश्चन आता है दो नंबर का। आदर्श और अनादर्श विलयन में तीन तीन अंतर, बिल्कुल सही है, ये भी मैंने वीडियो में कुछ आंसर बताया था। शुद्ध जल की मोलरता और जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके नाम के ऊपर ये रिएक्शन पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये 2020 का पेपर है दोस्तों, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है शायद पेपर मैंने ही बनाया हुआ है। पूरे के पूरे क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे के जैसे। ये प्रतिजैविक, कृति मधुरा, प्रतिरोधी, पीड़ाहारी, प्रति अम्ल का एक एक उदाहरण करके जाना था। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जाना से आना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त लक्ष्मण।